Student, I'm Arushi, your science teacher from Victorious International School. Today we will read page number 7. How plants synthesize protein. We have just learned that plants have synthesized carbohydrate through the process of photosynthesis. Photosynthesis process ke time plants mein carbohydrate hota hai. Plant can also synthesize other components. Plants mein aur bhi components hote hain food ke, jaise ki protein aur fat. प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस. प्रोटीन प्लांट्स में नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन होता है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है. वी नो डैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एबंडेंस ऑफ 78% इन अ गैसियस फॉर्म इन द एयर. हमें पता है कि प्लांट्स में एयर में जो है 78% नाइट्रोजन मिक्स है. बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर. लेकिन प्लांट्स उन नाइट्रोजन को एयर से नहीं लेते. दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर. वो एयर से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म. प्लांट्स नाइट्रोजन यूज करते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में. सॉइल हैव सर्टेन बैक्टीरिया. सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया विच टेक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इन टू द वाटर. जो एटमोसफेयर से नाइट्रोजन लेकर उसे वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट्स लाइक नाइट्रेट, जिन्हें नाइट्रेट कहते हैं, एंड रिलीज इट इन टू द सॉइल और उसे सॉइल में रिलीज कर देते हैं. दिस नाइट्रेट आर ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर. वाटर के साथ यही नाइट्रेट को प्लांट्स ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट्स में अलग मोड न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर में प्रेजेंस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की वजह से, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ में, जिसकी वजह से लीफ ग्रीन कलर की दिखती है. एंड सनलाइट. सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. इसलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता उन्हें नॉन ग्रीन प्लांट कहते हैं. डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. क्योंकि वो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हैं. थस द प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता उन्हें हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं. एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉफिक्स. इन्हें हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं. वेरियस टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर डिस्क्राइब. सेफ्रोफोटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सबसे पहले पढ़ेंगे सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द प्लांट विच डेरिव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेफ्रोफाइट. ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हैं उन्हें हम सेफ्रोफोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द डिकेइंग मैटर और एनिमल एक्सक्रीट. वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं. जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो सॉइल में मिक्स हो चुके होते हैं, जो सॉइल में डिके हो चुके होते हैं, या फिर एनिमल वेस्ट से. दिस एंजाइम ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अब्जॉर्ब बाय द सेफ्रोफाइट्स. इन्हीं एंजाइम्स को सेफ्रोफाइट जो होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट है फंजाई सच एज ब्रेड, मोल्ड एंड मशरूम आर सम बैक्टीरिया हैव सेफ्रोफोटिक न्यूट्रिशन. ये इनके एग्जाम्पल हैं फंजाई, ब्रेड, मोल्ड एंड मशरूम्स.